इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। जी हाँ साथियों, जय हिंद। एआरओ श्रीनगर के लिए न्यू और फ्रेश नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से रिलीज की है। अब हम आपको यहाँ पे बता दें, यह एआरओ की कई रैली भर्ती जो है वह पोस्टपोन्डेड की जा चुकी है कोविड-19 के वजह से। तो ऐसे में क्या पहले जो कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको क्या फिर से दोबारा फॉर्म फिलअप करने की जरूरत है या फिर नहीं। साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स इस रैली भर्ती में क्या लिया जाएगा, कौन कौन से ट्रेड पे भर्ती होने वाली है, कब से यह भर्ती चलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कई ऐसे वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका लिंक मैं दे चुका हूं, जिसे देखकर आप अपनी नॉलेज को और भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कौन कौन सा टेट पे यहाँ भर्ती होने वाली, इसकी एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वह क्या लिया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहला जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि नए बच्चों के यहाँ पे मौका दिया गया है, यानी कि 1 अक्टूबर 2000 और 1 अप्रैल 2004 के बीच में जितने भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइट यहाँ पे 163 सेंटीमीटर चाहिए और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन, अगर आपका वजन मिनिमम यहाँ पे 47.8 kg है तो आप इंडियन आर्मी की या GD का जो रैली भर्ती है आप इसे देख सकते हैं। और आपका जो चेस्ट चाहिए वह 77 सेंटीमीटर, नॉर्मल 5 सेंटीमीटर आपको फुल अप करना पड़ेगा। मैट्रिक आपको पास होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में 33% और एवरेज की अगर हम बात करें यानी कि एग्रीगेट की, तो 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। और जो डी ग्रेड में आते हैं वो इस कैटेगरी में इस भर्ती को देख सकते हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए बात करें तो यहाँ पे 23 वर्ष तक आप भर्ती देख सकते हैं और 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस भर्ती को आप देख सकते हैं। ट्रेड की अगर हम बात करें तो सोल्जर टेक्निकल है। यहाँ पे हाइट सेम दी गई है और यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग जो वजन दिया गया है वो आप देख सकते हैं और चेस्ट की जो क्राइटेरिया है सेम है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, साथ में इंग्लिश में होना चाहिए और आपका इंटरमीडिएट से साइंस पास होना चाहिए और एवरेज यानी कि एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे 23 वर्ष तक वो भी इस भर्ती को देख सकते हैं और टेक्निकल के इतना ही यहाँ पे हाई इसका जो डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया रखा गया है वह यहाँ पे दी गई है और हाइट में भी कोई बदलाव नहीं है। जितना टेक्निकल ट्रेड के लिए हाइट चाहिए उतना यहाँ पे जो कैंडिडेट MC यानी कि वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं उनको भी 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम जो आपका वजन है 47.8 kg होना चाहिए और जिससे आपका जो क्राइटेरिया आता है यहाँ पे हाइट का उस हिसाब से आपका वजन लिया जाएगा। चेस्ट भी सेम लिया जाएगा और इंटरमीडिएट से अगर आप बायोलॉजी या फिर बुटोनी जूलॉजी से किए हुए हैं तो इससे ट्रेड में आप भर्ती देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका 50% एवरेज में होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है साथियों। अब बात करते हैं यहाँ पे कलर ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे हाइट वेट चेस्ट वगैरह सभी डेट ऑफ बर्थ और सेम ही है, लेकिन हाइट में आपको 162 सेंटीमीटर यहाँ पे निर्धारित की गई है। आपके जो एजुकेशन की अगर बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है और एवरेज यानी कि एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो आपको 60% मार्क्स चाहिए और आपको साइंस से इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जिसमें बुककीपिंग या फिर इसकी जो मैथ वगैरह जो सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट आपको इसमें होना अनिवार्य है। और 10वीं और 8वीं पास पर आप अगर ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट वेट चेस्ट जो है हर ट्रेड की तरह सेम लिया गया है, ओनली फॉर यहाँ 162 सेंटीमीटर कलर के लिए है, नहीं तो 163 सेंटीमीटर ही लिया गया है। अगर आप 10th पे भर्ती होते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में 33 और अगर आप 8th पे भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें भी हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना अनिवार्य है, बाकी आपको एग्रीगेट की जरूरत नहीं है। अब इसकी टॉप पेज की अगर हम बात करें तो यह जो रैली भर्ती यहाँ पे इंडियन आर्मी करा रही है वह आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर के लिए है और यह 17 मई 2021 से 28 मई 2021 तक चलने वाली है साथियों, जिसे 2 अप्रैल 2021 से इसका जो फॉर्म फिलअप की डेट है वह यहाँ पे 1 मई 2021 लास्ट डेट है, आप इसके अंतर्गत फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट यहाँ पे शामिल होंगे तो श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला, पुलवामा, बादगम और कुपवारा, सोपेन, गंदेलवाल और बांदीपोरा एंड कुलगम
के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो भर्ती चलने वाली है वह सोनार, वानी और या बंदीपुरा में चलने वाली है जम्मू कश्मीर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सभी को करना अनिवार्य रूप से शामिल है, जो पहले किए थे उन्हें फिर भी यहाँ पे पुनः अगेन इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म फिलअप उनको करना पड़ेगा। और इसकी जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे 2 मई से लेके 15 मई के बीच में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको डेट और तारीख यहाँ पे मेंशन रहेगा, समय और जगह। वहाँ पे आपको 5 बजे सुबह एंट्री ले लेना है और 9 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं पर डे। बाकी जो आप ओवर टाइम में जाएंगे तो गेट बंद कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में साथियों किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वह रनिंग का हो या फिर बीम पुलअप्स का हो या फिर जिग जाग हो, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए सेम टाइम और सेम चीज यहाँ पे अभी ऑथराइज है। अब इसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन लिया जाएगा, उसके बाद मेरिट बनेगा, फिर मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा।